हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू आसा एजुकेशन। आज हम समरी करेंगे पोयम नो मैन ऑफ फॉरेन की, बीहाइव बुक से, ग्रेड 9, सीबीएसई। इस पोयम को लिखा है जेम्स किरकप ने। इस पोयम में टोटल 20 लाइंस हैं और इनको स्टैंजास में डिवाइड नहीं किया गया है, बल्कि इनको मीनिंगफुल सेगमेंट्स में डिवाइड किया गया है, ताकि जो समरी है उसका मेन पर्पज है कि ताकि जो पोयम है वो आसानी से समझ में आ सके और आप उसको फॉलो कर सके। क्योंकि ये पोयम जो है फर्स्ट पर्सन में लिखी हुई है, इसलिए हम ये एज्यूम कर सकते हैं जो स्पीकर है पोयम के वो अपने आप में खुद पोएट ही हैं। अब पोयम शुरू करते हैं। शुरू की जो फर्स्ट टू फोर लाइंस हैं, उसमें पोएट ये बताना चाहते हैं रीडर्स को कि जो लोग होते हैं वो एक दूसरे से अलग नहीं होते हैं, खाली इस बेसिस पे कि वो जो है एक दूसरी कंट्री को बिलोंग करते हैं। यानी अलग अलग कंट्रीज के लोग जो हैं वो खाली अलग कंट्रीज में होने की वजह से एक दूसरे से अलग नहीं होते। वो अपनी आर्मी के थ्रू लड़ते हैं नेशन के लिए, या अगर कहा जाए कि जैसे हम लोग जो हैं दो कंट्रीज वाले आपस में फाइट तो कर रहे हैं, लेकिन अगर उनके यूनिफॉर्म के अंदर देखें तो वो सब के सब सिमिलर होंगी। यानी कि ऊपर से जो यूनिफॉर्म है बस वही अलग है, वैसे कोई भी इंसान एक दूसरे से अलग नहीं है। तुम्हारे जो ओपोनेंट के आर्मी सोल्जर्स हैं वो भी तुम्हारी तरह ही रहते हैं, तुम्हारी तरह ही सांस लेते हैं। जो ज्यादातर फाइट्स होती हैं लोगों के बीच में एक कंट्री से और दूसरी कंट्री के बीच में, उसमें जनरली क्या होता है, किसी लैंड के पीस को लेकर झगड़ा हो जाता है कि वो किस नेशन को बिलोंग करता है। जबकि हम सब जानते हैं कि ये जो जमीन है धरती पर, ये सब एक तरह से बराबर ही है। हर कभी ना कभी हर इंसान को जो है इस धरती में ही मिल जाना है, चाहे एक समय पे या दूसरे समय पे हर इंसान को मरना है। और ये जितने भी जमीन के जो टुकड़े हैं, जो एक तरह से ग्रेवयार्ड्स ही हैं, ये एक उनकी जो वॉर होती है उनके लिए एक तरह से ऑक्यूपेशन का काम करते हैं। फिर पोएट जो है और दूसरे एविडेंसेस देते हैं मैन की यूनिटी को लेके। उनका मानना है कि जो अलग अलग कंट्रीज से आते हैं वो भी जो है हमारी अपनी कंट्री के अलावा जो बाहर की कंट्री के लोग होते हैं वो भी डिपेंड करते हैं उन्हीं चीजों पे अपने सर्वाइवल के लिए, जैसे कि हम करते हैं, सन है, एयर है, वाटर है, उन सब पे। उन्होंने भी अपनी कंट्रीज में वो समय देखा है जब शांति होती है, वो समय देखा है जब लड़ाई झगड़े, वॉर, युद्ध ये सब होते हैं। जब शांति होती है कंट्री में तो उनको पता है कि हाँ उन्हें हर वक्त का या दो वक्त का खाना मिल जाएगा, जैसे कि हमारे को लगता है। पर जैसे हम कहते हैं कि अगर लड़ाई हो जाए तो कितना मुश्किल होता है, उसी तरीके से उन लोगों के भी लिए लड़ाई जो है एक बहुत लंबे ठंडे मौसम के जैसे होती है, जब खाने की कमी हो जाती है और हर क्षण जो है ऐसा लगता है कि जैसे आने वाली एक महामारी के लिए चुनौती दे रहा है। वो बिल्कुल हमारे जैसे ही दिखते हैं और शायद उन्हीं लोगों से हुए हैं, उनके पुरखे भी वही हैं जो हमारे पुरखे हैं। फिर तीसरे स्टैंजा में या 9-12 लाइंस में पोएट कहना चाहते हैं कि जो रीडर्स हैं वो इस बात को ध्यान में रखें या इस फैक्ट को माइंड में रखें कि हमारे जो ओपोनेंट्स हैं वो भी वैसे ही सोते हैं, उठते हैं जैसे कि हम करते हैं, और बिल्कुल लाइफ का वैसा ही पैटर्न फॉलो करते हैं बिल्कुल हमारे जैसा। हर ह्यूमन बीइंग की जो है एक अपनी इनर सोर्स रिसोर्स होती है स्ट्रेंथ की, और जो वो इस्तेमाल कर सकते हैं और बाकी जो लोग हैं उनकी मदद के लिए। और ये जो हमारी अपनी रिसोर्स है, ये जो हमारी स्ट्रेंथ है, इसको हम तभी अनलॉक कर सकते हैं जब हम एक लव के पाथ को फॉलो करें। अगर हम किसी से प्यार करते हैं तो हम उसके लिए खड़े हो जाएंगे। यही बहुत जरूरी है हर इंसान के लिए कि वो अपने फेलो बीइंग से प्यार करे, बजाय उनके बीच में डिविजन्स क्रिएट करने के या दूरियां क्रिएट करने के। डिफरेंसेस होने के बावजूद भी बहुत सारे नेशंस ऐसे हैं जिनमें एक न एक चीज कॉमन होती है। ये जो कॉमन पीपल होते हैं ये एक ही जैसी जिंदगी जीते हैं हर जगह। तभी आप क्या करते हो, जो लाइफ है उसके प्रेजेंस को आप फील कर पाते हो। किसी भी भाग में हो आप दुनिया के, किसी भी कोने में हो, तब भी जो एक रहने का तरीका है वो आप हर जगह बिल्कुल वैसे ही महसूस करते हो जैसे कि अपने यहाँ। आप अगले स्टैंजा में पोएट जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं जो मिलिट्री और रिलीजियस ग्रुप्स होते हैं उनके एफर्ट्स के खिलाफ। वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं जो हम लोगों को प्रोत्साहित करते हैं
एक एनकरेज करते हैं कि हम जो हैं दूसरों के खिलाफ जो हैं युद्ध के लिए उत्तेजित हों। हमें मतलब जैसे होता है ना कि कुछ लोग भड़काते हैं कि हम जो हैं दूसरों के खिलाफ जैसे भी हो बस लड़ने के लिए तैयार हो जाएं, उसके खिलाफ जो है पोएट जो है काफी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पोएट का ये मानना है कि वो जो ग्रुप्स हैं वो अपने फॉलोअर्स को मिसगाइड कर रहे हैं, वो अपने फॉलोअर्स को ये बताना चाह रहे हैं कि तुम लोगों से नफरत करो, इस बात को भूल कर कि वो तुम्हारे खुद के ही भाई बहन हैं जिनसे तुम नफरत करने को कह रहे हो। एक तरह से पोएट के लिए ये सेल्फ डिस्ट्रक्शन हुआ। कोई भी हेट्रेड हो, कोई भी नफरत हो, अगर हम किसी भी मेंबर के, कोई भी ह्यूमन रेस का मेंबर हो, अगर हम उसके लिए नफरत करते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, आने वाली जो पीढ़ियां हैं, आने वाली जो और पीढ़ियां हैं, जनरेशंस हैं, उनके खिलाफ भी एक तरह से अभी से नफरत का बीज बो रहे हैं। अगर हम और किसी नेशन के लोगों को मार देते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, अपनी जो ह्यूमन स्पीशीज हैं उन्हीं को ही खतरे में डाल रहे हैं और उनके सर्वाइवल को इस अर्थ पे मुश्किल बना रहे हैं। फिर नेक्स्ट स्टैंजा में पोएट जो है और जो वॉर के असर होते हैं उनके बारे में बता रहे हैं। वो कहते हैं कि हम लोग जो हैं अर्थ के गार्जियन की तरह हैं और सबसे पहले हम ही मरेंगे अगर वॉर हो गया, और तब कोई भी नहीं रह जाएगा जो हमारे घर की देखभाल कर सके, जिस घर को हमारे पुरखे जो है हमारे लिए छोड़ के गए हैं, और अगर हम खत्म हो गए तो हम जो हैं हमारी जो आगे आने वाली पीढ़ियां हैं उनके लिए कुछ भी नहीं छोड़ के जा पाएंगी। इस स्टैंजा में पोएट जो हैं वो वॉर टाइम को एक हेल से कंपेयर कर रहे हैं, यानी नर्क से। जिस तरह से अगर आप नर्क में हो तो वहां पर क्या होता है, हमेशा आग जलती रहती है, धुआं उठता रहता है, उसी तरीके से वॉर में भी हमेशा लड़ाई झगड़े में आपके इतनी बमबारी होती है, तोपें चलाई जाती हैं, सब होता है, उससे क्या होता है आग जली हो जाती है, हर जगह धुआं ही धुआं होता है। उससे रिजल्ट क्या होता है कि जो हमारी धरती है वो एक तरह से पॉइजनस हो जाती है, हम अपनी ही धरती में जो है पॉइजन डाल रहे हैं, और जिस हवा में हम सांस लेते हैं वो इतनी इम्प्योर हो जाती है कि फिर जो ह्यूमन लाइफ है, अगर आप सोचो कि इस तरह से लड़ाई झगड़े होते रहे तो जो ह्यूमन लाइफ है वो आगे बहुत लंबे समय तक नहीं चल पाएगी। इसी वजह से पोएट जो है इस बात को एनकरेज कर रहे हैं कि हमें जो है अपने लोगों के प्रति, जो हमारे साथ के लोग हैं उनके प्रति वॉर वगैरह नहीं करना चाहिए, बल्कि ये सोच के कि वो फॉरनर्स हैं या उनकी कंट्री जो है हम जा रही जैसी नहीं है, इन सब बातों को भूलकर आपस में हमें एक दूसरे के प्रति लड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि लड़ने से कुछ नहीं हासिल होगा। ये थी हमारी समरी। आपको अच्छी लगी, समझ में आई, सब्सक्राइब करो हमारा चैनल असा एजुकेशन। बाय।